2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी लिखते हैं कि मैं रफाल को मंजूरी देता हूं। यूपीए सरकार ने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। बुधवार को लोकसभा में एक बार फिर राफेल के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को घेरा और जेपीसी की मांग की। वहीं सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला और राहुल के हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब राहुल गांधी ने ट्विटर पर भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की और इस दौरान उनसे एक ऐसी गलती हो गई कि उनका मजाक बनाना शुरू हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए ट्विटर पर 4 सवाल पूछे। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि संसद में राफेल सौदे पर ओपन बुक टेस्ट का सामना करना है। राहुल ने सवाल किया कि वो परीक्षा में खुद आएंगे या अपनी प्रतिनिधि को भेजेंगे। राहुल ने पीएम को परीक्षा के लिए 4 सवाल भी भेजे। पहला सवाल किया कि 126 की जगह 36 विमानों की जरूरत क्यों। दूसरा सवाल किया कि 560 करोड़ रुपए प्रति विमान की जगह 1600 करोड़ रुपए क्यों। और इसके बाद तीसरा सवाल करना ही भूल गए और तीसरे की जगह चौथा सवाल दाग दिया और पूछा कि HAL की जगह AA क्यों। यानी कि राहुल के ट्वीट में तीसरा सवाल ही गायब था, जिस पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल की चुटकी ली और राहुल को रीट्वीट कर लिखा, एक छात्र जो कक्षा में असफल होता है और बाहर से चुनौती देता है। हालांकि 2 घंटे बाद राहुल ने फिर एक ट्वीट किया और कहा कि तीसरा सवाल गायब है, मैंने तीसरा सवाल जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि मैडम स्पीकर ने कहा था गोवा टेप के बारे में कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा सवाल राफेल की तरह विवादास्पद हो गया है तो लोकप्रिय मांग पर पेश है सवाल नंबर 3। मोदी जी कृपया हमें बताइए कि परिकर जी राफेल फाइल अपने बेडरूम में क्यों रखते हैं और इसमें क्या है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस तरह से पहले ट्वीट पर राहुल का तीसरा सवाल छूटा, उससे ऐसा नहीं लगता कि राहुल ने ये जानबूझकर किया था। इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल से ट्वीट में गलती हुई और बाद में 2 घंटे बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट कर बस डैमेज कंट्रोल करने की ही कोशिश की।